हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.2, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर 1, दैट इट्स फेसेस शो द नंबर 1, 2, 2, 3, 3, 6। तो एक डाइस है जिसके ऊपर के हमारे ये 6 नंबर है, 1, 2, 6 नंबर ना होके उस पर 1, 2, 2, 3, 3, 6 इस तरह से नंबर है। जो हमारी डाइस पे 1, 2, 6 नंबर होते हैं उस तरह से नंबर नहीं है। इफ इट इज थ्रॉन 2 टाइम्स एंड द टोटल स्कोर इज इन 2 थ्रोज इज नोटेड। तो यहाँ पे क्या किया है कि उन दो यहाँ पे उस डाइस को, ये जो हमारी डाइस है जिसपे ये नंबर है, जिसके फेसेस पे ये नंबर है, उसको हमने 2 टाइम्स थ्रो किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करो या 2 डाइस को 1 टाइम थ्रो करो, वो एक ही बात होती है, क्योंकि हम डेटा कैसे लिख रहे हैं। अगर हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया, एक पे हमारा 3 आया, एक पे हमारा 2 आया, तो ये हमारा एक साथ हो गया। अब एक ही डाइस को मैंने पहली बार थ्रो किया, उस पर 5 आया, फिर दूसरी बार थ्रो किया, उस पर 6 आया। तो इस तरह से भी एक हम डेटा इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, डेटा हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 डाइस से भी ले सकते हैं, 1 डाइस से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों डाइस को थ्रो करके उनके स्कोर को यहाँ पे क्या किया है, सम करके, द टोटल स्कोर इज 2 थ्रोज इज नोटेड। उसमें यहाँ पे आपने ये नहीं देखा वहां पे कि पहले पे 3 आया, दूसरे पे 2 आया, दोनों का सम किया, यानी 3 प्लस 2 5 आया है, 6 प्लस 5 11 आया है। तो उनके सम को, जो जो भी दोनों डाइस पे नंबर आया, उनके सम को यहाँ पे टेबल में क्या किया है, नोट किया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ द न्यू थ्रोज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है कि यहाँ पे देखो, जैसे पहले मैंने आपको ये जब इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको ये टेबल बनवाई थी कि दो डाई है हम थ्रो कर रहे हैं, एक डाई हमारी ब्लू एक ग्रे है, हमने दोनों को थ्रो किया, पहले पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम से जो हम बनाते हैं, फिर पहली डाई पे 1 आया, दूसरी पे 3 आया, तो ये जो उस फेसिस पे जो नंबर आए हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। बट अब जो हमें टेबल बनानी है, वो हमें यहाँ पे इस तरह से नंबर्स नहीं लिखने, उनके फेसिस के उनका सम करना है। जैसे दोनों पे 1 1 आया तो 1 प्लस 1 हमें यहाँ पे 2 राइट करना है, यानी कि दोनों एक पे 3 एक पे 4 आया है तो हमें यहाँ पे 3 प्लस 4 7 राइट करना है। जो भी नंबर्स उनके फेसेस पे आए उनका टोटल करके हमें यहाँ पे राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आधी टेबल आपकी बनी हुई है, फर्स्ट 2 लाइन आपकी बनी हुई है। जैसे पहली डाइस पे 1 आया, पहली बार में 1 आया, एक ही डाइस है, पहली बार में 1 आया, दूसरे बार में 1 आया, तो 1 प्लस 1 हमने 2 राइट कर लिया। फिर पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, तो 1 प्लस 2 हमने 3 राइट कर दिया। इस तरह से हमें सम करना है। फिर 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 प्लस 3 हमारा 4 आ गया, 1 प्लस 3 हमारा 4, 1 प्लस 6 हमारा 7। तो इस तरह से ये सारे वो नंबर हैं, ये फर्स्ट थ्रो, ये हमारे फर्स्ट थ्रो में आए हैं। पहली बार जब डाइस थ्रो कर रहे हो तो ये नंबर आए हैं, सेकंड टाइम अब जब आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो ये नंबर आए हैं। एक वर्टिकल लिखना है, एक हॉरिजॉन्टल लिखना है, और फिर इस तरह से पैरिंग करते जाना है। तो 2 प्लस 1 हमारा, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 1 हमारा 3 आया, फिर 2 प्लस 2 हमारा 4 आया, 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो गया, सम राइट करना है। इस तरह से हमें टेबल बनानी है। तो आप यहाँ पे देखो, अब इस यहाँ पे जो हमारी स्पेस है, यहाँ पे भी हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो अगर हमने डाइस को फर्स्ट टाइम थ्रो किया 1 आया, सेकंड टाइम थ्रो किया 2 आया, तो 2 प्लस 1 हमारा यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। फिर फर्स्ट थ्रो में 2, सेकंड थ्रो में 2, तो 2 प्लस 2 हमारा यहाँ 4 हो गया। फिर अगेन 2 प्लस 2 हमारा 4 हो गया, फिर 2 प्लस 3 हमारा 5 हो गया, 2 प्लस 3 अगेन 5, और 2 प्लस 6 हमारा यहाँ 8 हो गया, यानी दोनों डाइस पे इस तरह से सम आ रहे हैं। फिर 3 प्लस 1 हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये इस तरह से हो रहे हैं, पहली थ्रो में 2 आया, दूसरी थ्रो में 3 आया, तो इन दोनों का सम किया, 2 प्लस 3 ये इक्वल टू हमारा हो गया 5 हो गया। फिर आप यहाँ देखो, पहले थ्रो यहाँ पे फर्स्ट थ्रो में 2 आया, फिर सेकेंड थ्रो में अगेन 3 आया, तो सेम ऐसे 2 प्लस 3 हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 5 हो जाएगा, फर्स्ट थ्रो में 3, सेकेंड थ्रो में 3, तो 3 प्लस 3 हमारा यहाँ 6 हो जाएगा। फिर अगेन 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 3 हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो सम करते जाना है बस दोनों नंबर को। अगेन 3 प्लस 1 4, सेम टेबल है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर आएंगे, 3 प्लस 2 5, तो ये भी 5, 3 प्लस 2 5 5, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6। तो ये हमारी यहाँ पे टोटल कंप्लीट टेबल बन गई। ये वाली टेबल भी हमारी बनी हुई है,
कि 6 + 1 7 आया, 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 3 9 और 6 + 6 12। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। बस इसके अलावा और कोई सम हमारे नहीं आएंगे, यही हमारे मिनिमम सम हमारा 2 आएगा, मैक्सिमम सम हमारा 12 आएगा। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन? तो हमें यहाँ पे इवन स्कोर आने की, हमारा हमने स्कोर राइट किए जो सम करने के बाद ये नंबर ही हमारे स्कोर है, तो इवन स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। फिर वो नंबर यहाँ पे 6 सम कितनी बार आया उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और एटलीस्ट 6 स्कोर आया है वो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। तो यहाँ देखो, पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ पे कितने हैं टोटल, तो 1 2, ये जो हमारी टेबल बनी है वो सिर्फ हमारी ये है, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर है इनको हमें नहीं काउंट करना है, ये हमारी सिर्फ ये टेबल है। इसके अंदर जो हमारा स्कोर बोर्ड है इन दोनों को सम करके हम ये बना रहे हैं। तो आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, पहले रो में हमारे 6 नंबर है और टोटल कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 × 6 6, इसमें 6 इसमें 12, फिर इसमें 18 हो गए 6, फिर इसमें 24 हो गए, फिर इसमें हमारे 30 हो गए और 36, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वल टू 36 हो गए। ठीक है, ये टोटल पॉसिबल है। अब इसमें से इवन आने के कितने हैं, तो इवन का मतलब क्या हुआ कि स्कोर्स हमारे क्या होने चाहिए, कौन कौन से स्कोर्स हमारे इवन होंगे जिसमें 2 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो 2 नंबर ऐसा है जो हमारा इवन है, उसके बाद 3 नहीं है, फिर 4 हमारा इवन है जो 2 के टेबल में आता है और 2 से कंप्लीट डिवाइड भी है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 6 है, 6 नंबर भी हमारा ऐसा है जो इवन है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ 8 है और उसके बाद 10 नंबर हमारे यहाँ है नहीं और ये 12 है। मतलब कि 2 4 6 8 12, ये 5 नंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इवन है और बाकी सारे हमारे यहाँ ऑड है। तो अब आप यहाँ पे मैन्युअली आपको काउंट करना है, क्योंकि यहाँ ये जो डाइस है वो हमारी जो पहले जो डाइस थी जिसमें 1 2 6 नंबर होते हैं उस तरह से नहीं है। तो आप यहाँ पे खुद ही काउंट करो कि यहाँ पे कितनी बार ये पांचों नंबर आए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 टाइम्स हमारे इवन नंबर आए। तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल कंडीशन हो गई। नंबर ऑफ फेवरेबल इवन आने की फेवरेबल आउटकम्स, यानी इवन नंबर्स आए तो फेवरेबल आउटकम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ कितने हो गए, 18। तो 36 में से 18 टाइम्स हमारे इवन नंबर आए, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर इज इवन। तो इवन स्कोर हमारे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये हमारा फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ कितने, 18, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने 36। तो 18 के टेबल में 18 आया 1 टाइम, 36 आया 2 टाइम। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई इवन नंबर आने की, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ चांस में हमारे इवन नंबर आएंगे और हाफ चांस में हमारे ऑड नंबर आएंगे, बिल्कुल हाफ आ रही है ना, 1/2 हाफ हो गई। फिर 6 देखो आप यहाँ पे, स्कोर हमारा 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्कोर 6 आ जाए, स्कोर इज 6। तो ये भी आपको खुद ही यहाँ पे काउंट करना है कितनी बार स्कोर हमारा 6 आया है। तो आप ये देखो 1 2 3 4, और कोई स्कोर हमारा 6 यहाँ पे नहीं है, तो टोटल यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स जो यहाँ पे 6 आ रहे हैं वो कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 6 आने के, ओनली 4। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर इज 6, तो वो हमारी कितनी हो गई, नंबर ऑफ, सेम यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4,
और टोटल नंबर ऑफ कम्स कितने हैं 36, तो 4 बाय 36, तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम, 36 9 टाइम, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 6 का स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 बाय 9। और लास्ट हमारी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6, कम से कम 6 तो स्कोर आना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो इसको आप अच्छे से समझना है, कम से कम 6 आना चाहिए, मतलब इससे बड़ा भी नंबर आ सकता है। जैसे कि आप कोई एग्जाम देने गए हो और आपके पेरेंट्स ने बोला है 10 मार्क्स का कोई टेस्ट हो रहा है आपकी क्लास में, तो आपके पेरेंट्स ने बोला है कम एटलीस्ट आपके 6 मार्क्स तो आने ही चाहिए, मतलब कम से कम 6 आने चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। तो एटलीस्ट 6 का मतलब 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, बट उससे कम मार्क्स नहीं चलेंगे। तो एटलीस्ट का मतलब ये है कि इस नंबर से लेके मैक्सिमम नंबर तक आपको जाना है, लेकिन इससे कम वाले नंबर आपको यहाँ पे नहीं राइट करने। तो एटलीस्ट 6 का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 6 मीन्स 6 और ग्रेटर देन 6 और ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 या फिर उससे बड़े। तो आप यहां पे देखो हमारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे, देयर फॉर टोटल स्कोर भी कौन कौन से हो जाएंगे, 6 हो सकता है हमारा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट यहाँ 10 हमारा नंबर है नहीं, 11 भी नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है सॉरी 12, 9 के बाद 12। तो ये सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे आने की हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ पे काउंट कर लो, 6 हमारा 4 टाइम आया, 6 हमारा आया यहाँ पे 4 टाइम, फिर 7 देखो 7 कितनी बार आया यहाँ पे, तो ये 1, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 2, तो 7 हमारा आया यहाँ पे 2 टाइम, फिर नेक्स्ट नंबर है 8, तो 8 आप यहाँ पे देखो 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 4, तो 8 भी हमारा यहाँ पे कितना आया 4 टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे 9, 9 हमारा यहाँ पे आया है ओनली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4, तो 9 भी हमारा यहाँ पे कितना आया 4 टाइम। फिर उसके बाद लास्ट हमारा 12, तो 12 हमारा सिर्फ कितनी बार आया 1 टाइम, तो इनको ऐड कर लो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे यहाँ कितने हो गए 15। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू हमारा हो गया 15। तब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, सेम ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ 15 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे यहाँ है 36, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर लो, 5 के टेबल से तो कैंसिल नहीं हुआ, 3 के टेबल, 3 के टेबल में 15 आया 5 टाइम और 36 आया हमारा 1 2, तो ये हमारी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, एटलीस्ट 6 आने की प्रॉबिलिटी हमारी कितनी हो गई 5 बाय 12। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट यहाँ पे हमें सिर्फ स्कोर फाइंड करना था, सम करना था, इतना सबको ध्यान रखना है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।